सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कि विकलांग छात्र स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है, आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकें। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि देश के अंदर विकलांग छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाओं के अंतर्गत क्या है कि स्कॉलरशिप दी जाती है, और इन्हीं स्कॉलरशिप योजनाओं में से आज हम तीन योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये तीन योजनाएं हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम। ये हैं दोस्तों, ये स्कॉलरशिप जो है स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंतर्गत सेंट्रल स्कीम के अंडर में आती हैं। दोस्तों, प्री मैट्रिक स्कीम के अंदर क्या है कि छःवीं से लेकर, यानी दोस्तों छःवीं क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक के स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, और पोस्ट मैट्रिक के अंदर ग्यारहवीं से बारहवीं स्नातक और जो पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्य जो सिलेबस है उसके लिए क्या है कि उसके जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, और टॉप क्लास के अंदर क्या है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री, एम फिल, पी एच डी जैसे कुछ करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे रिलेटेड आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप scholarship.gov.in पर क्या है कि इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सेंट्रल स्कीम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पूरी गाइडलाइंस आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, उसके अंदर डेट भी आपको पता चल जाएगी कब तक लास्ट डेट है, कब तक भरे जाएंगे, तो दोस्तों वहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान, आप आसानी से है ना घर पे बैठे आप आवेदन इसका कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या है कि scholarships.gov.in पर आपको इस वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद सेंट्रल स्कीम्स पे आपको जाना है, उसके बाद क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने तीन स्कीम दिखाई देगी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके अलावा टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम आपके सामने दिखाई देगी, जिसके तहत आप लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, उसको अप्लाई आपको करना है, उस पर आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप उस पर अप्लाई करेंगे वैसे ही आपके सामने न्यू स्टूडेंट रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की गाइडलाइन आ जाएगी, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, प्री मैट्रिक की जगह आप जो है दूसरी जो स्कीम है उसके तहत करना चाहते हैं तो उसकी भी आपके सामने गाइडलाइंस आ जाती है। उसके बाद जैसे गाइडलाइंस पूरी आ जाती है तो उसको पूरी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कि आपके सामने एक फार्म खुलकर आएगा, तो उसमें जो भी मांगी जानकारी है वो बिल्कुल सही से ही भर देनी है। जैसे ही आप सही से जानकारी भर लेते हैं उसके बाद उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद क्या है कि उसकी नियम और शर्तें आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि आपके सामने कैप्चा आएगा, उसको आपको फिल करके उस पर रजिस्टर बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टूडेंट एप्लीकेंट आईडी आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप उसको क्या है कि जैसे ही आपको दिखाई दे वैसे ही उसको क्या है कि साइड में आप लिख के रख सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि उस पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट एप्लीकेंट आईडी जो आपने लिख के रखी है दोस्तों वो आपको उसके अंदर फिल करनी है। फिल जैसे ही कर देंगे पासवर्ड में आपको स्टूडेंट जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको उसके अंदर फिल करनी है, और कैप्चा फिर से आपके सामने आएगा तो उसको भी आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप उसको फिल कर देंगे उसके बाद लॉगिन आपको उसके अंदर कर देना है, और आपने जो भी उसके अंदर मोबाइल नंबर डाला है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर क्या है कि आपको OTP आएगा, यानी कि दो वन टाइम पासवर्ड आपके सामने आएगा, तो उसको क्या है कि आपको OTP बॉक्स के अंदर डालना है। जैसे ही आप OTP बॉक्स में उसको डाल देते हैं कंफर्म OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म OTP पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, और अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा, तो पेज के अंदर आपको क्या है कि अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने जो एक फार्म खुल के आएगा उस फार्म में मांगी गई जानकारी पूरी सही से भरनी है, ताकि क्या है कि उसके अंदर बाद में बदलाव ना करना पड़े। तो दोस्तों, वो पूरी जानकारी सही से बिल्कुल राइट भरें। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप पूरी जानकारी सही से भर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगी जाएगी तो दोस्तों उसको भी आपको फिल करना है। जैसे ही वो फिल कर दें उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, तो उस फॉर्म को जानकारी अच्छे से भर देनी है और दिखाई देगा, यानी दोस्तों भरनी नहीं है, यानी कि आपको दिखाई देगा जो आपने पूरी जानकारी भरी थी।
तो दोस्तों उसको आपको प्रिंट ले लेना, और प्रिंट के साथ दोस्तों आपको क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको, जैसे क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा क्या है कि आपको पिछले साल की मार्कशीट की कॉपी लेकर आपको क्या है कि स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि उसको सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट कराएंगे ये फाइनल आपका काम पूरा हो चुका है। तो इस तरह से क्या है कि आप आसानी से ना इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और अपना अगर स्टेटस चेक करना चाहते हो इसी वेबसाइट के ऊपर आप जाकर चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको जाना है, तो उस पर आप पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस स्कॉलरशिप का क्या है। तो दोस्तों इस तरह से है ना आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करके इसका भी लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब बनाना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।